कुछ अगर किसी के मन में यस कोई yes. हो हाँ, कोई कुछ बताओ। अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं या एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं, पर मेरे मैं ख्याल से सोचती हूँ पहले सेशन पे चलते हैं प्रैक्टिस पहले। भी पहले सेशन ले लीजिए, क्योंकि फिर लोग छोड़ के हाँ चले जाते हैं। यस, सेशन पहले सेशन ही कर लेते हैं, उसके बाद शेयर कर लेंगे वो। यस सर, थैंक यू। आज यस सर, जैसे कि मुझे कहा गया है कि मैं श्री अरविंद के विषय में बोलूं, तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड तो है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए एक डिफिकल्टी भी रहती है, क्योंकि श्री अरविंद के विषय में या किसी भी महत योगी, महत विचारक, एक महान संत, कोई महान कवि है, महान दार्शनिक, उसके विषय में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जो पूरा व्यक्तित्व है उसको शब्दों द्वारा डिस्क्राइब करना नितांत असंभव। क्यों है असंभव? क्योंकि उनके जो जो पर्सनालिटी होती है वो एक आइसबर्ग जैसी होती है, जिनका जो बिलो वाटर लाइन 90% और बाहर तो वे केवल 10% होते हैं, बाकी वे पूर्णता भीतर में अंतस में निवास करती हैं। इसलिए हम क्या अनुमान लगा सकते हैं उनके विषय में? सिर्फ अगर बहुत हम उनको स्टडी करें, इवन उनके बायोग्राफी, उनके लिखी हुई बुक्स भी पढ़ें, तो बस वही 10% जो है वो हमारे हाथ आता है, और फिर हमारी हमारी मीन्स हर व्यक्ति की लिमिटेशन कि उसको कैसे किस डायमेंशन से एक्सप्रेस करें वो सामने आती है। लेकिन फिर भी हम जो कुछ कर सकते हैं वे सिर्फ संकेत मात्र हैं, और ये संकेत ही, ये इशारे ही हमें जो है वो उनकी एक पूरा जीवन व्रत हम ना भी जाने तो उनकी ग्रेस तक तो पहुंचा ही देते हैं। इसलिए इसीलिए इसको सत्संग कहा जाता है कि किसी भी महापुरुष महासंत के विषय में एक बात करना ही एक योग करना है, एक आनंद का विषय। अच्छा मैम, मुझे टाइम बता दीजिए कि ये कब तक? 5:30 तक रहेगा। 5:30। ओके, तो इसी तरह से, क्योंकि इनका तो जो एक ये चेतना है इस धरती पर हमेशा से है। हम क्या क्या जानते हैं? हम किसी महापुरुष के जीवन को या किसी महापुरुष के विषय में जब भी जानते हैं तो हम उनका जन्म, उनके माता पिता, उनकी उपलब्धियां, उनके अचीवमेंट्स, यही ना। लेकिन उन्होंने तो कभी इस धरती को छोड़ा ही नहीं, वे हमेशा से हैं, वे तो शाश्वत, क्योंकि वे तो चेतनाएं हैं। वे तो बस कभी कभी इस मैटर को जो है वो देह को धारण करती हैं, बाकी वे हमेशा से हैं। सो इसी तरह, लेकिन उनके मैसेजेस होते हैं, और अपने अपने समय में अपने अपने मैसेजेस देने के लिए वे देह में आते, ये भी सत्य। जब जब स्वधर्म विस्मृत होने लगते हैं, सामर्थ्य ऐसे सो जाती हैं, सुप्त होने लगती हैं, और जो हमारी चेतनाएं हैं इस धरती की, हमारी चेतनाएं जब अंधकार की पथगामी बन जाती हैं, वे अंधेरों को फॉलो करने लगती हैं, और हमारे भीतर के जो वैश्विक भाव हैं वे तिरोहित हो जाते, मैं मेरा मेरा मेरा, और ये भाव जो है वो एकदम मुखर होने लगता है। जो वैयक्तिक भाव है वो फ्रंट पे आ जाता है, और जो वैश्विक भाव है
वो खो जाता है और हमारा जो पूरा जीवन है उसको कैप्चर कर लिया जाता है नकारात्मकताएं, अज्ञान, अंधकार की शक्तियां, ये सब हमारे पूरे जीवन को, असत्य की शक्तियां अपने भीषण एक पाश में जब ले लेती हैं, और तब क्या होता है हमारा, क्या होगा, हम भी बाध्य हो जाते हैं, ये धरती, ये पृथ्वी, ये प्रकृति बाध्य हो जाती है, उनके आगे क्या कर देती है, समर्पण कर देती है। और तब जो एक समग्र विश्व है वो एक अचेतनता की खाई में चला जाता। ऐसे ही भीषण द्वंद, संदेह, नकारात्मकताएं और अज्ञान से जब हमारा जो जीवन है वो आच्छादित हो जाता है, तब तब कोई कृष्ण जैसा सद्गुरु, कृष्ण जैसा सद्गुरु जो है वो गीता के दिव्य गान हमारी आत्माओं में गुनगुनाता है और फिर क्या होता है कि हम बिल्कुल उठ खड़े होते हैं और कूद पड़ते हैं उन अंधेरों की खाइयों से एक जागरण की ओर, एक जंप लेते हैं, ग्रेट जंप। सारी जो हमारी सत्ता है वो जीवंत हो उठती है, जो अभी मृत प्राय हो जाती है, सारी सत्ता प्रकृति जो है वो जीवंत हो उठती है और पूरी जो हमारी पूरी संपूर्ण जागृत चेतना के साथ हम उठ खड़े होते हैं उन अंधकारों, उन नकारात्मकताओं से लड़ने के लिए और उन्हें पराजित करने के लिए। और फिर शुरू होता है एक महाविजय का महाअभियान। तो ऐसे ही विराट, व्यापक और व्योम सदृश, जिनका कोई कोई ओर छोर नहीं, ऐसी ही सनातन कृष्णमयी सदगुरु चेतना श्री अरविंद। जब हम देखेंगे कि जो एक श्री अरविंद का जब आविर्भाव हुआ तो वो कैसा पीरियड था, हमें याद है ना, कृष्ण जब आए वो कैसा पीरियड था, ये सब अंधेरों के पीरियड होते हैं और धरती जो है वो प्रार्थना करती है, आवाहन करती है, अभीप्सा करती है, फिर कोई अवतार, कोई विभूति, कोई महान जो है वो चेतना धरती पर देह को धारण करती है, क्योंकि धरती पर जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान जो है वो मनुष्य भी भगवान बन सके इसके लिए वो मनुष्य बनकर ही आता है। अगर वो भगवान बनकर आएगा तो हम उसके मैसेज को जितना वैसे ही इतना फॉलो नहीं कर पाए हैं और भी नहीं कर सके। तो जो श्री अरविंद का पीरियड है, अगर ये तो एक साधकों का समूह है, कोई गणनाओं का और अंकों का ज्योतिष, अगर मेरा उसमें कोई वो नहीं है दखलन जी, लेकिन बस एक ये कहना चाहती हूँ तो वो इन चीजों को और समझ पाएगा कि जैसे हम लोग यूं देखते ही हैं कि पंचवर्षीय, फिर हम 25th एनिवर्सरीज मनाते हैं, फिर 50 वर्ष पूरे हुए और एक शताब्दी वर्ष। सो ऐसे ही कुछ चीजों के वो शताब्दी वर्ष थे। देखा जाए तो जो सुधार आंदोलन हमारा 17th सुधार आंदोलन के जो प्रणेता थे, जो पहला सुधार आंदोलन अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय और ये सब उस समय स्टार्ट हुआ था। पहला मीन्स मैं सिर्फ वो गुलाम वाले भारत की बात कह रही हूँ, इसके पहले तो ऑलरेडी हम लोग बहुत जागृत और पहुंची हुई जो है वो चेतना में निवास करते थे, मैं उस पीरियड की बात कर रही हूँ बस। तो वो उनका भी जन्म जो है वो क्या हुआ था, एक शताब्दी वर्ष चल रहा था जब श्री अरविंद आए, तो वो उनका शताब्दी वर्ष था। और
गुलाम भारत का अपनी स्वतंत्रता के लिए जो पहली बार एक आवाज उठाई गई थी, आवाज मीन्स क्रांति हुई, क्रांति और एक मास रेवोल्यूशन, कम से कम हजारों लोग उसमें शामिल थे, कई कई हजार, 50,000 लोग, वो सन्यासियों के द्वारा उठाई गई। सबसे पहला जो विरोध था अंग्रेजों का वो सन्यासियों ने किया था, भी बंगाल के गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे, जिसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। इसका भी अगर देखा जाए तो कुछ कुछ वो शताब्दी वाला पीरियड ही 95 और 100 वर्ष वाला पीरियड चल रहा था, ये तकरीबन 1770 और 75 के बीच में हुआ था। तो वो एक आजादी के लिए जो एक बीज बोया गया था उसका भी शताब्दी वर्ष था। और एक बहुत सुंदर कि उस सन्यासी विद्रोह पर, उस सन्यासी विद्रोह को हमसे आप से परिचित जिन्होंने बहुत अच्छे से कराया, वंकिम चंद्र, वे भी उस शताब्दी वर्ष में ही उन्होंने वो बुक आनंद मठ लिखी थी, जिसमें हमें हमारा राष्ट्रगीत मिला। मतलब कि उस पीरियड में ये चीजें जो एक भागवत सत्ता ने ये निश्चित तो कर दिया था कि देश को जो है वो स्वतंत्रता, इस देश को स्वतंत्र होना है, और इसका जो है इसीलिए वो गीत लिखा जा चुका था वंदे मातरम। और इसी वंदे मातरम को जो है वो अभिमंत्रित किया था श्री अरविंद ने, और फिर तो एक ऐसा मंत्र बन गया था ये आजादी का कि अंग्रेज सरकार घबरा गई थी। तो वो ऐसा पीरियड था, वो 1872 में श्री अरविंद जो है वो उनका जन्म हुआ, वो पीरियड ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था, वंकिम चंद्र का था, विवेकानंद भी उस समय थे, रामकृष्ण परमहंस का पीरियड था, वे कुछ भागवत मुहूर्त थे। सो कलकत्ते में वो जन्माष्टमी की एक खूबसूरत भोर रही होगी जब श्री अरविंद का जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष, जो उस समय बहुत एलीट और एक बड़े सर्जन थे, उनकी माता देवी स्वर्णलता। श्री अरविंद जो है वो शायद तीसरी संतान थे अपने माता पिता की, और उनके पिता चूंकि एक बहुत एलीट वर्ग के थे, और एक क्या होता है कि जब हम गुलाम थे या कोई भी एक गुलाम हो तो उसका आदर्श, भले ही वो उससे घृणा करे लेकिन उसका आदर्श जो है वो उसका मास्टर ही होता है। और हम लोग तो ये चीजें अभी तक नहीं छोड़ पाए जबकि हम स्वतंत्र हो गए। तो उनके पिता ने कभी नहीं चाहा कि उनके बच्चों पर जो है वो भारतीय संस्कृति की छाप पड़े। उस समय एलीट कल्चर तो अंग्रेजों का ही था, क्योंकि हम उन्हें अपने मास्टर के रूप में देखते थे कि ये हमारे शासक, हम तो गुलाम हैं, एक गुलाम किसको कॉपी करेगा, अपने शासक को। क्या खान पान है, क्या रहन सहन, क्या बोली है, क्या वेशभूषा है, किसको फॉलो करेंगे, अपने शासक। उन्होंने क्या किया कि श्री अरविंद को 5 वर्ष की आयु में ही दार्जिलिंग में लॉरेटो स्कूल में एडमिशन करा दिया। एंड एट द एज ऑफ 7, जब वे 7 ईयर्स के थे कि वो साइन टू इंग्लैंड, तब भी उनको लेकर इंग्लैंड गए, उन्हें और उनके भाइयों को, और वहां उनकी जो है वो शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि, उन्होंने श्री अरविंद में ये है कि एक विलक्षणता तो जन्म के साथ ही देखी थी,
उनके बालपन में उन्होंने विलक्षणता देखी थी, सो उन्हें पूरा विश्वास था कि ये बालक एक दिन बहुत बहुत जो है वो बड़ा बनकर भारत ही नहीं पूरे विश्व के क्षितिज को रोशन करेगा। उनका विजन तो सही था, तो वो उस हिसाब से उनको शिक्षा दीक्षा देना चाहते थे। सो श्री अरविंद की जो शिक्षा है वो इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज में और कई कई वहीं की यूनिवर्सिटीज में हुई, और वे बहुत ही उनकी मेधा तो अप्रतिम कहें, बहुत ब्रिलियंट जो है वो एक छात्र रहे हैं वो। और क्योंकि ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, जब भी ये विभूति हैं, कोई अवतार हैं, जैसे भगवान राम को वशिष्ठ जी के आश्रम भेजा जाता था, भेजा गया मीन्स, तो वे तो एक अवतार ही थे, सभी कलाओं का ज्ञान था उन्हें। लेकिन जब वे इस देह में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, जब उन्होंने मानव के देह को स्वीकारा है, तो वे उसके कर, जो भी धर्म है उनको भी स्वीकारेंगे, और वो उनका यानी कि भगवान का कर्तव्य है, सो वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं भगवान। इसी तरह भगवान कृष्ण को उज्जैनी की महर्षि सांदीपनी के आश्रम में उन्होंने अपनी शिक्षा पाई, वे 16 कलाओं जो पूर्ण कलाओं के जो है वो अवतार थे। फिर यहाँ पर उज्जैनी में कभी भूखे रहकर, कभी बिल्कुल एक वो जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, चने वाली सुदामा के साथ, और लकड़ियां ला रहे हैं जंगल से, सो ये सब तो करना ही पड़ता है। और इसी तरह श्री अरविंद ने भी वहां पर एक स्टार्टिंग में तो क्या रहा, क्योंकि जो डॉक्टर कृष्णधन घोष उनके पिता थे, वे बहुत हृदय से बहुत उदार थे, सो एक समय ऐसा आया कि उनके पास बड़ी आर्थिक कठिनाई आ गई, और उन्होंने बच्चों को पैसे भेजना जो है वो जारी नहीं रख पाए। अब सोचिए कि इंग्लैंड में कैसे उन्होंने गुजारा किया होगा, कभी कभी तो पूरे दिन का, मतलब कि जो तीनों मील्स हैं वो भी बहुत मुश्किल होते थे और शायद संभव नहीं हो पाते थे। लेकिन वे इतने मेधावी थे, इतने ब्रिलियंट थे कि स्कॉलरशिप के कारण उनकी शिक्षा पर कोई आंच नहीं है। और इवन उनके जो एक जो वहां के एक ऑस्कर ब्राउनिंग एक बहुत विद्वान टीचर थे, उन्होंने श्री अरविंद के बारे में लिखा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने शिक्षण काल में इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, इतने आंसर कॉपीज उन्होंने चेक की होंगी, ऐसी कॉपी आज तक मेरे सामने, उनके निबंध बोले अद्भुत। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वे कैसे स्टूडेंट रहे होंगे, और भाषाई ज्ञान का तो क्या कहूं, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, स्पैनिश, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, सिर्फ इनसे फैमिलियर नहीं थे, इन पे पूर्ण अधिकार था। और उसी काल में उन्होंने पोएट्री भी लिखना जो है वो स्टार्ट किया, और उसी काल में जिन चीजों से बहुत दूर करने के लिए उन्हें इतनी दूर भेजा गया था, वे चीजें भी जो है वो बाहर आने लगी थी, और कुछ ऐसी असेंबलीज वहां होती थी, कुछ ऐसे संगठन वहां पर जो स्वदेशी लोग जो भारतीय हैं वे बनाते थे, जिनमें की राष्ट्र प्रेम की बातें, राष्ट्रवाद की बातें, और उनके लिए कुछ योजनाएं तैयार की जाती थी, आर्टिकल्स लिखे जाते थे। सो श्री अरविंद उनसे भी जुड़े बात, और जैसे कि उनके पिता चाहते थे कि वे उस समय सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती थी ICS, कि वे उसको क्वालिफाई करें, उनके दिव्य चक्षुओं में तो कुछ और ही विजन था, लेकिन एक पिता के स्वप्न को भी उन्होंने पूरा किया। उन्होंने उस समय ICS जो है वो क्वालिफाई किया, और उसमें 11th रैंक था।
उस समय की कठिनतम परीक्षा थी। और लेकिन भी सरकारी अधिकारी तो बनना ही नहीं चाहते थे, सो वे घुड़सवारी में जो है वो अनक्वालिफाइड, और उसमें 3 अवसर दिए जाते थे, तो उनको और 2 उनके पास अवसर थे, लेकिन उन्होंने घुड़सवारी का टेस्ट दोबारा से और अपने दोनों अवसर जो है वो उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि वे सरकारी सरकार के एक उसमें अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते थे, वे एक अपने इन शासकों को जो कि हमारे नहीं थे उनको वे अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे जो है वो वापस आते हैं। वो भी बड़ा एक सुंदर मुहूर्त था, 1893, ये वो पीरियड था जब यहां से भारत से जो है वो एक ऋषि विवेकानंद, एक महत ऋषि, सनातन धर्म की एक ध्वज पताका लेकर और पश्चिम में अपने सनातन धर्म का डंका फहराने जा रहा था। और उसी समय 1893 में एक तामसिक पाश्चात्य संस्कृति को तिलांजलि देकर अपने सनातन धर्म की गोद में एक आर्ष महत ऋषि श्री अरविंद भारत भूमि पर पदार्पण किया। उन्होंने अपोलो बंदरगाह पर जब वे उतरते हैं तो वे लिखते हैं कि जैसे ही मैंने अपने पग इस धरा पर रखे और मुझे ऐसे लगा कि एक अनंत एक भागवत शांति ने उन्हें आलिंगन कर लिया। और जितनी भी तमस थी या जो कुछ भी जड़ता थी वो सब तिरोहित हो गई और वे बिल्कुल एक भागवत आलिंगन में बंध गए। इस तरह से उनका भारत में आगमन होता है। और उसके बाद उन्होंने 1893 बड़ौदा में अपनी सेवाएं थी एक शिक्षक के रूप में। वे चाहते तो कोई बहुत बड़ी जॉब कर सकते थे, उन्हें तो बहुत सरकारी और ये सब बहुत अपॉर्चुनिटीज उनके पास रही होंगी, लेकिन नहीं, वहां के जो राजा थे गायकवाड़ जी, वे श्री अरविंद को बहुत रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वे थे इतने रिस्पेक्टेड पर्सन। और जब वे वहां पढ़ाते थे तो वो पूरा जो क्लास है वो इतना क्वाइट हो जाता था। उनके ही एक स्टूडेंट ने लिखा था कि उन्हें कभी बहुत लाउड ही नहीं बोलना पड़ता था, और जब वे बोलते थे तो उनका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता था, किस अनंत में जो है वो उनका ध्यान रहता था, और भी धारा प्रवाह और उनकी उसमें टॉक में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती थी, स्टाइल नहीं होती थी, लेकिन वो सीधा हमारे हृदयों तक जाती थी। और इसकी मैं कुछ ऐसे ग्लिम्स दिखाती चलूंगी कि कैसे वो एक प्रोफेसर थे, मतलब उनको लोग कितना प्रेम करते थे। जब वे बड़ौदा आए, बीच में जब वो कोलकाता गए और वहां से जब वे बड़ौदा लौटे तो जो बग्घी थी रेलवे स्टेशन पर उनके स्टूडेंट्स उनको जो है वो होस्ट करने आए, तो उन्होंने बग्घी के घोड़े खोल दिए और वे रेलवे स्टेशन से उस गंतव्य स्थल तक उन्हें अपने कंधों पर उस बग्घी को जो है वो चला कर ले गए। वे इतने लोकप्रिय थे और वे बहुत शांत थे। वहां जो सैलरी मिलती थी वो अपनी जिस टेबल पे रख देते थे, और वो एक कॉमन टेबल हुआ करती थी, उसको पेपर वेट से दबा के रख देते थे। वे कभी भी बहुत वेशभूषा को लेकर या पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो महत्वाकांक्षी आरंभ से ही नहीं थे, और उसमें से ही खर्चे के पैसे, अपने डेली रूटीन के जो पैसे हैं उसमें से ही किसी को मदद के लिए या अपनी बहन या किसी के खर्चे के लिए भेजना है,
सो श्री अरविंद जो है वो उसमें से ही यूज करते थे, और किसी ने एक बार टोका तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रूफ है कि मैं कितने ऑनेस्ट और गुड पीपल के बीच रह रहा हूँ कि मुझे कहीं अलग पैसे रखने ही नहीं पड़ते हैं। फिर वो एक टाइम आया, अच्छा, और जो एक स्पिरिचुअलिटी थी वो तो भीतर पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन इस बीच जब एक बार कश्मीर गए और वहां पर शंकराचार्य हिल पर उन्होंने विजिट किया, वहां उनको इस ब्रह्म का जो है वो रियलाइजेशन, ब्रह्म का रियलाइजेशन उनको वहां, और इसके बाद उन्हें एक योग के एक गुरु भी मिले, भी महाराष्ट्रियन थे, योग गुरु लेले थे, और उन्होंने भी उनको जो है वो योग की एक जो फॉर्मल ही कहें हम वो एक शिक्षा दी, और उस समय वे प्राणायाम भी करते थे। सो मैं उनके माध्यम से कहना चाहूंगी कि प्राणायाम जो है वो बहुत इफेक्टिव है। श्री अरविंद ने लिखा कि जब वो प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे थे तो पहले जो वो पोइट्री या कुछ लिखते थे तो 20 से 25 लाइन एक दिन में लिखते थे, लेकिन इस प्राणायाम की प्रैक्टिस के बाद वो 200 लाइंस तक लिख सकते थे। सो मैं प्राणायाम के विषय में भी कि हम सबको भी प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर जो श्री अरविंद का एक दूसरा जो पीरियड जो है आरंभ होता है, अच्छा, इस बीच उनकी जो विवाह भी हुआ, श्री अरविंद का विवाह देवी मृणालिनी, वे रांची की जो है वो रांची को बिलोंग करती थी, और वे एक बहुत ही सुलझी हुई शांत और देवी माई ही थी, और उनकी बाद में जो है वो बहुत जो परमहंस की जो माता जी थी उनसे उनकी बहुत बॉन्डिंग रही देवी मृणालिनी की। वे एक बहुत ही, उनके विषय में क्या कहा जाए, अभी हम श्री अरविंद को ही फोकस करते हैं। तो इस तरह से एक उनका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा, क्योंकि वे तो एक योगी थे, अगर वे एक योगी नहीं होते तो फिर वे एक आईसीएस ऑफिसर ही होते और एक वही एक पूरा पैटर्न लाइफ जीते, लेकिन योगी किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, योगी का एक अलग ही पथ होता है। सो 1901 में उनका विवाह हुआ था। फिर एक जो बंगाल में जो घटना हुई, हम श्री अरविंद के जीवन में वैविध्य देखते हैं, हमने अपने अवतारों के जीवन में वैविध्य ही तो देखा है, और वैविध्य ही जो है वो इस धरती को, धरती के परिवर्तन के लिए एक आवश्यक है और एक आवश्यक संदेश हम सब तक दे पाता है। एक जैसा जीवन नहीं होता है। राम के जीवन में कि राज्याभिषेक हो रहा है और फिर वनवास को चले जाते हैं, फिर सीता हरण होता है, फिर एक बहुत ही एक सीमित संसाधनों के साथ एक बहुत बड़ी असुरों को हराते हैं। कृष्ण का जीवन कि कभी वृंदावन में है, फिर मथुरा है, फिर एक महाभारत में है। तो इस तरह से श्री अरविंद भी उस समय जो बंगाल में, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, 1905 का समय रहा होगा, भारी उसका विरोध, और वहां पर कई कई नेता, और एक इसी तरह से एक नेता थे, मैं उनका नाम भूल रही हूं, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें राजा कहा, और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी को राजा की पदवी जनता द्वारा कोई उपाधि दी गई, उपाधियां तो सरकार देती है, लेकिन जनता ने उन्हें राजा कहा, और उस विरोध का जो है वो उनको सर्वे सर्वा बनाया कि हम आपकी अगुवाई में बंगाल के विभाजन का विरोध करें। तब उन्होंने कहा कि मैं इतना उपयुक्त नहीं, अगर इस बंगाल विभाजन के पीरियड में अगर राष्ट्रवाद को कोई आकाश तक की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है तो वे श्री अरविंद हैं जो बड़ौदा में थे उस समय। एक बहुत अच्छी जो है वो जॉब थी, बहुत रिस्पेक्टफुल, और वहां के महाराज भी उन्हें
बहुत इवन अपने जो शासकीय कार्य थे उनमें भी उनकी सलाह लेती थी। लेकिन जब उनको ऐसा आह्वान किया गया तो वे राष्ट्रवाद के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने धरती के लिए वे उस जॉब को छोड़कर, उस सेवाओं को त्याग कर, और वे एक नया फेज यहाँ से शुरू होता है, वे बंगाल जाते हैं, कोलकाता। इस समय उन्होंने उस समय कई लेख लिखे। वंदे मातरम जो एक पेपर निकलता था उसमें भी संपादकीय लिखते थे, और जो उनके लेख होते थे उन आर्टिकल्स ने भारतवासियों को एक राष्ट्रवाद की ऐसी लहर उनके भीतर पैदा कर दी कि कुछ उन्हीं के जो उस समय के विद्यार्थी थे उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने राष्ट्रवाद के विषय में, बंगाल के विभाजन के विषय में जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो बोले जब आखिरी पंक्तियां थी तो शायद कोई ऐसा ना था जो अपना रोना रोक सका, हम सब रो पड़े। तो इस क्योंकि उनके जो शब्द थे वे एक वाह नहीं थी, वे हृदय से निकले हुए और हृदयों तक जाते थे। तो इस तरह से वे एक बहुत, उन्होंने राष्ट्रवाद का जो एक नया स्वरूप रचा। और वही पीरियड था कि उस समय सिर्फ एक कांग्रेस जो है वो हुआ करता था, तो उसमें कुछ मॉडरेट्स थे जो इस तरह से चाह रहे थे कि थोड़ा सा राजनीतिक सुधार हो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें कुछ हम भारतीयों के लिए सीटें बढ़ाई जाएं, लेकिन फिर एक प्रोग्रेसिव जो है वो एक रुख आ रहा था कि नहीं, अब हमें स्वराज चाहिए, अब हम स्वराज से कम कुछ भी नहीं। तो इसके लिए ये जो राष्ट्रवाद अब दो उसमें पैरेलल धाराओं में चल रहा था, सो फिर अब वो एकदम से दो बिल्कुल ही डिवाइड हो गए। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ और जो मॉडरेट्स थे जैसे कि गोखले जी थे, गांधी जी थे, ये एक मॉडरेट ग्रुप को लीड कर रहे थे, और लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, श्री अरविंद थे, ये इस प्रोग्रेसिव ग्रुप को लीड कर रहे थे, क्योंकि अब ये चीज मतलब मुखर होने लगी थी कि हाँ अब हमें आजादी के लिए, अब हम बहुत ज्यादा इस तरह से कि बस फिर हम कुछ एप्लीकेशंस और वो प्लीज लेकर पहुंच गए, अब ये सब नहीं होगा, अब हमें एक एक्शन में आना पड़ेगा, अब हमें बायकॉट और ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। सो इस तरह से एक प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है वो रेडिकल्स या कुछ भी कहें, इस तरह से एक ये विचारधारा है जो वो आ गई और ये पूरे राष्ट्र में फैल, और इसको जो लीड कर रहे थे वो एक विचार लीड कर रहा था, व्यक्ति तो ठीक है लेकिन व्यक्ति से पहले भी है विचार लीड कर रहा था, जो श्री अरविंद के जो विचार थे। जब वे वंदे मातरम में लिखते थे तो उस समय जो वाइस रॉय था लॉर्ड मिंटो, उन्होंने गवर्नर को लिखा कि ये व्यक्ति, गवर्नर मॉर्ले थे शायद, था ना मॉर्ले, उन्होंने उनको लिखा कि अभी ये व्यक्ति सबसे खतरनाक व्यक्ति है, श्री अरविंद को उन्होंने सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी, क्योंकि बोले कि इनका जो विचार है वो तो एक आग लगा रहा है, और भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी, क्योंकि स्वतंत्रता अब क्या था, एक विश्वव्यापक अवधारणा है, स्वतंत्रता कोई एक देश तक या देश की सरहद, किसी एक देश की सरहदों तक सीमित नहीं है, वो तो एक व्यापक, एक विराट अवधारणा है स्वतंत्रता। तो इस तरह से, और फिर इस बीच उन पर जो है वो केस भी दायर किया गया और उनको अरेस्ट करना चाहती थी गवर्नमेंट, लेकिन किसी तरह से वो बहुत सारे प्रूफ्स नहीं ला पाई और श्री अरविंद अरेस्ट नहीं हुए। लेकिन सरकार तो ये मौका ढूंढ ही रही थी कि इस व्यक्ति को कैसे ना कैसे करके इस फ्रंट से जो है वो
हटाना है, भीतर करना है जेल में। और उदारवादी और वो 1907 का अधिवेशन कभी आप लोग पढ़िएगा तो उससे काफी फैक्ट्स जो हैं वो हमें क्लियर होंगे, हम और भी डिटेल्स जानेंगे। मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगी। तो वो ये सब देख ही रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि एक जो मैजिस्ट्रेट थे, मतलब फिर तो ये हुआ कि वंदे मातरम एक मंत्र बन गया और जो स्वाधीनता का जो एक यज्ञ चल रहा था तो उसमें युवकों की तो आप छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस मंत्र को लेकर अपनी आहुति देने के लिए ऐसे तत्पर हो गए थे। ये जो वंदे मातरम को, क्योंकि वंदे मातरम ने एक पूरी विराटता जो है वो ग्रहण कर ली थी। और फिर तो ये हो गया था कि वंदे मातरम कहना ही एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था। तो कुछ माणिक तला, वहां कोलकाता का एक एरिया था, तो वहां कुछ लगा कि कुछ बहुत ही अच्छे घरों के जो युवक हैं वो भी राष्ट्रवाद को पोषित कर रहे हैं, तो वहां छापा मारकर पुलिस ने कार्रवाई की और श्री अरविंद के जो छोटे भाई थे वारिंद्र घोष, उनके साथ कुछ बहुत ही अभिजात परिवारों के जो युवक थे जो अच्छे आर्टिकल या जो ये सब चीजों में आजादी के लिए अपने आप को बिल्कुल उन्होंने अपने जीवन प्रस्तुत ही कर दिए थे, उनको अरेस्ट किए। और फिर इसी के बीच एक जज हुआ करते थे, वे बहुत डिफेम थे सजाएं देने के लिए, वे क्रांतिकारियों को बहुत किंग्सफोर्ड बहुत ही बहुत हैवानियत जैसी और बहुत पाशविक जो है वो सजाएं देते थे। तो कुछ क्रांतिकारियों ने उनकी बग्घी पर बम फेंका, लेकिन वो उसको सही नहीं वो कर पाए थे, उस बग्घी में वे नहीं थे। और इस बम केस में इसको ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, अलीपुर बम कांड। और इसमें सरकार ने जो है वो श्री अरविंद को अरेस्ट किया। एक साल के लिए श्री अरविंद जो है वो एक जेल में रहे, एक साल इसकी पैर बीच। और इस बीच कुछ बड़ी ही ऐसी घटनाएं घटी कि क्योंकि एक ये ऐसा केस था जिसमें आजीवन कारावास, काला पानी, इससे कमतर सजा नहीं थी। अब आप ये सोचिए कि तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को सिर्फ आर्टिकल लिखने के लिए, लेख लिखने के लिए 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, तो श्री अरविंद पर तो उन्होंने बम कांड का चार्ज लगा हुआ था। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि और उनसे तो सरकार वैसे भी बहुत घबराई हुई थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो एक सरकारी गवाह, दो क्रांतिकारियों ने जेल के भीतर ही एक सरकारी गवाह की हत्या कर दी, जबकि वे जानते थे कि हमें कितना हम पर जुल्म किया जाएगा और हम पर कितना अत्याचार होगा और फांसी होगी। उन्हें पता था फांसी से कम और वो भी भीषण अत्याचारों के बाद हमें फांसी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सरकारी गवाह की हत्या कर दी। इसी बीच दो सरकारी अधिकारियों को भी वहां पर जो है वो जो इस केस से इन्वॉल्व थे, और वो जो सरकारी गवाह था उसका जो अगर उसका वो वहां तक पहुंच पाता, अदालत तक उसकी बात रखी जाती, तो उसकी सूचनाओं के आधार पर, क्योंकि वो लोग तो उनको इतना अत्याचार करते थे कि कई लोग तो बेचारे मजबूरी में सरकारी गवाह बन जाते थे। सो इस तरह से जो है वो उनको वो किया गया। प्रकृति जो है वो अपने एक हाफिज को बचा रही थी, ये चीज किसी तरह से श्री अरविंद की उनको रक्षा करनी थी कि वे एक उद्धारक के रूप में पृथ्वी धरती उनकी ओर देख रही थी, सारा विश्व, धरती और पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है वो उनकी ओर देख रहा था। सो एक ये घटना हुई। एक जो उनके जो मैजिस्ट्रेट थे, जो जज थे उनके केस के, वो कैम्ब्रिज में उनके सहपाठी थे और उनको श्री अरविंद के बाद दूसरे नंबर पे प्रतिभा का धनी माना जाता था।
कहीं ना कहीं कुछ तो ये भी एक बॉन्डिंग तो होगी। और तीसरी बात कि श्री अरविंद का केस लड़ने के लिए बाय चांस बाबू चितरंजन दास कोलकाता में मौजूद थे, जो स्वयं एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे और उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा। मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाऊंगी जो उन्होंने उस अदालत में दिया था। तो इस तरह से ये तो थी जो मैंने बाहरी आपको घटनाएं बताई, लेकिन इस जेल में एक 9x6 की कोठरी में एक राष्ट्रवादी, एक हाईली एजुकेटेड जो इंग्लैंड से पढ़कर आए, अदालत में जब उन्हें पेश किया जाता था तो लोग सिर्फ देखने जाते थे कि वे श्री अरविंद को देखना चाहते हैं कि जो ICS क्वालिफाइड, जिसको सूटेड बूटेड और टाई होना चाहिए और बिल्कुल एक एलीट जिसका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, वे एक वस्त्र धारण करते थे, एक वस्त्र उसको नीचे पहन के और उसको ही वे ऊपर इस तरह से फोल्ड करते थे। तो लोग उन्हें देखने आते थे, उनके दर्शन के लिए आते थे। और बहुत कुछ जो है वो बाहरी चीजें तो हो रही थी, लेकिन एक जेल का जो एक वर्ष का जो समय था, एक आश्रमवास था। और जैसे जेल में जिस भगवान ने, जिस कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था, आज श्री अरविंद के समक्ष उसी जेल में उस भगवान ने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। कितना कठिन रहता होगा वो कारावास, जो एक 9x6 की एक छोटी सी कोठरी, वो भी लॉक्ड, और एक गर्मी, बारिश, ठंड, समय का तो पता भी नहीं चलता होगा कि कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, जहां कभी धूप पहुंचती ही नहीं हो। बर्तन भी वहां एक ही मग होता था, उसी को आप नहाने में इस्तेमाल कीजिए, वही आपको आहार के लिए मदद करेगा, आपको वही अपने जो भी आपके क्रियाएं हैं, वो एक मग, एक पतली सी थाली, एक आजादी, बहुत अगर हम इस चीज को फील करें अपने अपने हृदयों में, अपनी आत्माओं में, कि जो आजादी होती है वो बहुत, उसका जो उसकी कीमत होती है, हम सोच भी नहीं सकते। एक एलीट परिवार का एक ICS और पहले तो फॉरेन रिटर्न आज भी बहुत तो मायने रखता है, उस समय क्या मायने रखता होगा। एक इंग्लैंड रिटर्न, वो एक ऐसे कोठरी में, क्या तकलीफ नहीं होती होगी। लेकिन उस जेल के, उस कारागृह के प्रवास ने श्री अरविंद को एक जो रियलाइजेशन था, एक इनर जो गॉड, जो उनके भीतर से जो एक इनर जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस थी, उसको प्रकट कर दी। भगवान ने गीता उनके हाथ में रख दी, कृष्ण वासुदेव सर्वम इति का साक्षात्कार उस जेल की कोठरी में हुआ श्री अरविंद। योग के लिए उन्होंने कोई पहाड़, कंदराएं, गुफाएं, एकांत, हिमालय, ये सब नहीं, वो उस कोठरी में एक ऐसी वननेस, ईशावास मेदम सर्व का आह्वान उनके भीतर उस कोठरी में हुआ, एक 9x6 की कोठरी। और उन्होंने अपने में ब्रह्म को और ब्रह्म में अपने को, तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि, ये सारे साक्षात्कार, और वो एक योग स्थली बन गई, वो एक 9x6 की जो कारागृह था, जो कोठरी था, वो
वो आश्रम वास हो गया, वो उनकी तपश्चर्या की स्थली बन गई। और वे लिखते हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो जो बड़े बड़े अपराध करके, हत्याएं करके जो लोग आए थे, उन सबके प्रति वे उनमें एक अनंत, एक एटर्नल प्रेम और वननेस जो है वो क्रिएट हो गई। बोले मैं हर जगह उस वासुदेव को देख सका, उस जज में जो मेरे लिए निर्णय दे रहा है, उस गवाह में जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, उस बैरिस्टर में जो मेरे लिए जिरह कर रहा है, मैं सब में वासुदेव की दर्शन कर सकूं। और इस तरह इस एक वर्ष बाद बेस इस केस से बरी हुए, इस केस का फैसला आया और धरती का संरक्षण होना था, धरती अपने संरक्षक को जो है वो पुकार रही थी। सो जब वे बाहर आते हैं तब फिर वे ये अश्योर करते हैं कि भारत की आजादी सुनिश्चित हो चुकी है, अब मेरा प्रयास चेतना के कि इस धरती की चेतना की उन्नयन के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत अवतार आए, बहुत विभूतियां आई, लेकिन धरती की चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, धरती की चेतना वही की वही। तो श्री अरविंद का जो कार्य है वो है चेतना के उन्नयन का। और फिर एक उन्होंने इस चीज को लेकिन श्योर किया कि भारत की आजादी सुनिश्चित हो चुकी है, अब हमें, क्योंकि वे जानते थे कि एक भयावहता जो है वो उस आजादी में छुपी हुई है, और उन्होंने इसको पहले ही कहा था कि हमें राजनैतिक सुधार से पहले इन चीजों पर वर्क करना है, अस्पृश्यता जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी को। मैंने कभी अपने कोर्स में ऐसा नहीं पढ़ा कि अनटचेबिलिटी तो पढ़ा मैंने, लेकिन श्री अरविंद का कभी कोई उसमें जिक्र नहीं पढ़ा, लेकिन अभी मैंने जाना कि आप उनके जो सामाजिक सुधार थे, आप उनका जो औद्योगिक क्रांति के विषय में उन्होंने लिखा, वे कितनी सटीक चीजें थी। अगर उस समय उनको अपनाया गया होता तो निश्चित हम और भी अच्छी कंडीशन। फिर उनको एक इनर गाइडेंस मिला चंदन नगर जाने का, वो एक फ्रेंच टेरिटरी था और बहुत हद तक वो जो है वो ब्रिटिश से, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अभी भी वो कैसे भी चाहती थी कि उनको नजरबंद रखूं, वे फिर से राष्ट्रवाद की जो है वो ज्वाला कहीं ना भड़का दें देशवासियों के बीच, तो वो उनको किसी ना किसी तरह से फिर से अरेस्ट में लेना चाहती थी। सो एक इनर गाइडेंस ने कहा कि आप चंदन नगर जाइए, और फिर एक इनर गाइडेंस उन्हें अगस्त्य ऋषि की एक तपोस्थली तीर्थ पांडिचेरी। आज मैं श्री अरविंद के विषय में बस इतना ही कहूंगी, उनका जो आध्यात्मिक जो डायमेंशन है वो मैं अगले सत्र में, अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं वो उसमें पूर्ण करना चाहूंगी। थैंक यू अर्चना जी, आप स्वयं तो उस पीरियड में पहुंच ही गए थे और हमें भी पहुंचा दिया। ऐसे लगा मैं भी उसी टाइम पीरियड में हूँ और मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मेरे सामने सारी घटनाएं हो रही हैं। अद्भुत था आपका बताने का तरीका, स्वयं तो डूबे और हमें भी साथ में उस उनमें घोल दिया आपने, बहुत अद्भुत। वास्तव में 30 मिनट में या 40 मिनट में इनको नहीं कहा जा सकता, मेरे को तो लगता है 30-40 मिनट तो क्या कितने भी दिन दे देंगे, अब कम है वो तो हमें समय के अनुसार बंधना पड़ता है, कुछ लिमिटेशन तो होती है, कुछ समय की एक लिमिट तो होती है ना, होती है। तो जरूर हम इसका अगला भी हम चाहेंगे कि जो और आप बताना चाहते हैं इनके बारे में हम अगले सेशन में कोई कर लेंगे, मैं बात कर लूंगी आपसे जी। ठीक है थैंक यू वन सेकंड, बहुत सुंदर से बताया आपने, और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जरूर होंगे
कोई एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा एक नेक्स्ट सेशन फिर शुरू होने वाला है। हाँ, उसमें ले लेंगे हम लोग क्वेश्चन, अभी अगर कोई लेना चाहे। 6:30 पर इंडिया, 6:30 से इंडियन टाइम से। तो अगर ओके कोई का क्वेश्चन से पूछना चाहते तो पूछ ले, और जो एक्सपीरियंस है वो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। हैंड रेस कर लिया, जो भी पूछना चाहते हैं आपका स्वागत है। और अभी या तो नहीं पूछ पा रहे आप तो ग्रुप में डाल दीजिए क्वेश्चन, तो मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगी, वहां से आंसर लेके आपको बता दूंगी। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार डॉक्टर अर्चना पांडे जी। मुझे भी क्या, सब पूरे परिवार को ही बहुत अच्छा लगा, और सब बहुत जिज्ञासा से सुन रहे थे। बहुत आभार आपका, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे जी। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू।